हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वानी वाइंस। आई होप आप सेफ होंगे और खुश होंगे। एंड टाइटल समझ में आ गया कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। यस, व्हाई आई लेफ्ट कोफोर्ज, जो पहले NIT टेक्नोलॉजी कहा जाता था जिसे। सो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसे ही बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल से मिलते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको अपना बैकग्राउंड सब बता देती हूँ कि मैं क्या हूँ। सो यस, मेरा नाम पूजा सिंह है और मैं एक सॉफ्टवेयर टेस्टर हूँ। एंड मैंने अभी ही रिसेंटली कोफोर्ज में रिज़ाइन दिया था, जो मेरा लास्ट वर्किंग था 14 जैन को था। सो मैंने अपना जो जर्नी है एक Level 3 कंपनी से स्टार्ट की थी। एंड वहाँ पे मैंने बहुत सारे नॉलेज गेन करने के बाद, अपनी लर्निंग स्किल और इम्प्रूव करने के बाद, मैंने Level 5 कंपनी में इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली NIT टेक्नोलॉजीज में इंटरव्यू देने का। उस समय NIT टेक्नोलॉजीज थी। सो मुझे 2019 को मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, अराउंड नवंबर या अक्टूबर, मुझे ऐसे याद नहीं है, पर अक्टूबर 19 को मुझे अपॉर्चुनिटी मिला इंटरव्यू देने का। सो इंटरव्यू का प्रोसेस ये होता है कि वहाँ पे 2 टेक्निका और 1 HR राउंड होता है। सो उस समय जब इंटरव्यू हो रहे थे तो एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए इंटरव्यू हो रहा था NIT में। एक था एयरलाइंस डोमेन और दूसरा था इंश्योरेंस डोमेन। सो आई हैव अ लिटिल बिट नॉलेज ऑफ एयरलाइंस डोमेन दैट टाइम। सो मैंने उनके बेस पे इंटरव्यू दिया एंड आई वाज सिलेक्टेड ओवर देयर एंड आई जॉइंड 19 फेब 2020 को मैंने NIT टेक्नोलॉजी ज्वाइन कर ली। सो इट्स अ बिग ड्रीम, बिकॉज Level 5 कंपनी में काम करने का किसका मन नहीं करता है। तो लाइक मेरे लिए भी वो बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, और मेरे एक्सपीरियंस को लेकर, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस मेरा टर्निंग पॉइंट था। सो मैंने ज्वाइन किया फेब में एंड आफ्टर दैट मैं आई बेंच में। सो बेंच में मुझे एक्चुअली 2 चीज़ होता है, या तो आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे हायर होते हो या फिर आपको पहले बेंच में डाला जाता है एंड उसके बाद आपकी क्लाइंट इंटरव्यू होती है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर क्लाइंट इंटरव्यू आपने क्लियर कर लिया तो आपको फिर वो प्रोजेक्ट में, वो पर्टिकुलर डोमेन में आपको आपको मिल जाता है रोल आपका। सो लाइक सेम, मैंने 1.5 मंथ बेंच में रही। सो NIT टेक्नोलॉजी का जो बेंच पीरियड होता है, ऑब्वियसली वो गोल्डन पीरियड्स बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। सो मैं एक Level 3 कंपनी से आई, थोड़ा सा मैं नर्वस थी यार, अब तो प्रोजेक्ट नहीं मिला, मैं बेंच में आ गई, तो दिस ये जो चीज़ें थी ना, मेरे लिए पूरा न्यू था। क्या अगर मैं बेंच में हूँ और मैंने इस पर भी कोई इंटरव्यू क्लियर नहीं किया तो क्या मुझे निकाल तो नहीं दिया? तो बहुत चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी। एंड उसके अपोजिट मेरे हस्बैंड भी IT कंपनी से बिलोंग करते हैं एंड वो मुझे बोलते थे कि नहीं, बेंच जो पीरियड्स होते बहुत गोल्डन पीरियड्स होते, कुछ टेंशन नहीं है, आप बस इंजॉय करो। बट मैं उससे अपोजिट निकली, हमेशा मैं बेंच के समय पढ़ती रहती थी और अपने आप को कोडिंग को लेकर और मतलब इम्प्रूव करती रहती थी कि यार मुझे एनी हाउ प्रोजेक्ट लेना है। एंड 1.5 महीने के अंदर अंदर मुझे प्रोजेक्ट मिल गया एंड मैं गई इंश्योरेंस डोमेन। सो इंटरव्यू दिया था एयरलाइंस डोमेन के बेस्ड में एंड जो मुझे प्रोजेक्ट मिला वो इंश्योरेंस डोमेन के बेस्ड में। सो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, अगर आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के दे रहे हो तो आपको वो प्रोजेक्ट को डायरेक्ट हायर किया जाएगा। एंड अगर वो अगर बोल रहे हैं कि एयरलाइंस डोमेन के बेस पे इंटरव्यू हो रहा है आपका, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको एयरलाइंस में ही डालेंगे, अदर ऑपरेशंस डोमेन्स भी होते हैं उसमें भी डाल सकते हैं या फिर इंश्योरेंस में भी डाल सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स मार्केट टू मार्केट। सो दिस इज द माई बैकग्राउंड। सो ऑब्वियसली सबको पता है कि मार्च 2020 को लॉकडाउन लग गया था ड्यू टू सम कोविड एंड पैंडमिक की वजह से, तो मैं ज़्यादा ऑफिस नहीं गई थी। बट मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से पता थी और मुझे पहले से, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी NIT में काम करते थे, तो उसके कुछ एडवांटेज ये थे कि मैंने सुना था कि फर्स्ट ये था कि वहाँ पे जितने भी फंक्शंस होते थे या फेस्टिव्स होते थे बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। लाइक एक सेलिब्रेट का एक माहौल ही अलग था, लाइक हर MNC के लिए होता है, तो मेरे लिए तो सब न्यू था, तो ऑब्वियसली वो एक फर्स्ट था। सेकंड, ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके हस्बैंड या वाइफ IT से बिलोंग है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप जॉब कर रहे हो और आपके आपके वाइफ या हस्बैंड भी IT से बिलोंग करते हैं तो उन्हें पहले प्रेफरेंस मिलेगा उस कंपनी में। तो सेम, ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है।
एंड देन सबसे फर्स्ट थर्ड है मदर्स के लिए क्रच फैसिलिटी. एनआईटी हर मदर्स को क्रच फैसिलिटी इवन डे केयर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है. दिस इज़ द बेस्ट जो मुझे लगा एज अ मदर, ये मेरे लिए बेस्ट था. देन कैब प्रोवाइड करना, फूड बहुत अच्छा होता था, अदर एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हो वहाँ पे, जिम भी है, स्विमिंग पूल भी है, बट ये पेंडेमिक के समय बंद था. बट अगर पेंडेमिक नहीं होता तो आई थिंक इसका भी जो होता है ना एन्जॉयमेंट होती है, ये जो एन्जॉयमेंट है, जो एक्टिविटीज़ है, वो आप उठा सकते हो इन फ्यूचर. अभी तो नहीं, अभी तो पेंडेमिक सब बंद है. सो ये है एडवांटेज वहाँ का. इवन वहाँ का जो लोकेशन है और जो एरियाज है बहुत अच्छी है, लाइक सब कुछ अच्छा है. नाउ बात करते हैं वर्क के बारे में. वर्क प्रेशर कैसा है और स्टेबिलिटी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. वर्क प्रेशर इज टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट या फिर योर डोमेन. ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे बहुत सारे डोमेन्स है, बैंकिंग वाला भी है और एयरलाइंस भी है, इंश्योरेंस है. सो एनआईटी टेक्नोलॉजी जो है टोटली डिपेंड है इंश्योरेंस डोमेन में, एंड मैं इंश्योरेंस डोमेन में ही थी. सो वर्क प्रेशर इज टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं. स्टेबिलिटी भी बोल सकते हो और नहीं भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है. 24 अगस्त 2020 को एनआईटी टेक्नोलॉजी टर्न हो गया कोफोर्स में, और उनके जो सीईओ है वो भी चेंज हो गए. नेट पे आप देख सकते हैं उनके सीईओ कौन है. उसके बाद से कोफोर्स की हालत बोलते ना इतनी ख़राब हो गई, या फिर उन्होंने अपना एक जो लेवल होता है इतना डाउन कर लिया. 2020 में अराउंड 2000 लोगों को जॉब से निकाला गया, एंड इट्स शॉक्ड. एंड इवन दैट टाइम जब मैं प्रोजेक्ट पे थी, सो मैंने इंश्योरेंस में दो प्रोजेक्ट पे थी, जब मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट पे आई सडनली प्रोजेक्ट में रैम डाउन हो गया. ठीक है, अब रैम डाउन क्या होता है इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी. तो रैम डाउन हो गया एंड मैं फिर से बेंच में आ गई. एंड आप इमेजिन नहीं करोगे, एक जब लोगों को निकाला जा रहा था तो हमें ऐसा लगा हम भी निकलेंगे, और सिनेरियोस टोटली चेंज्ड हो गया. जहाँ मैंने सपना देखा था कि मैं लेवल 5 कंपनी में जा रही हूँ और लेवल 5 कंपनी में स्टेबिलिटी होती है, जितना मैंने अपने फ्रेंड से सुना था वो टोटली उससे अपोजिट हो रहा था. सो उस समय का मेरा सिचुएशन इतना वर्स था, एक तरह से मैं आया था कि मैं डिप्रेस में भी चली गई थी. बट सम हाउ डिपेंड्स ऑन कि क्योंकि जो मेरे मैनेजर थे वो इतने अच्छे थे, उन्होंने मेरा फीडबैक दूसरे मैनेजर को जब दिया कि दिया, और उस बेस में मुझे दूसरा प्रोजेक्ट मिल गया. बट हाँ, 2020 में एक बहुत मतलब लाइक एक बिग लॉस हुआ है उस कंपनी में कि 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉय को निकाला गया, जो आई थिंक इट्स नॉट गुड. अब बात करते हैं डिसएडवांटेज का. डिसएडवांटेज ये है कि आपकी लर्निंग नहीं है वहाँ पे. मतलब आपको एक बार जो प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग मिल गई, केटी मिल गई, आप उसी को ही कंटिन्यू साल, दो साल, तीन साल वही काम कर रहे हो, उससे एक्स्ट्रा कोई काम नहीं कर रहे हो. सेकेंड, आपको ट्रेनिंग मिल रही है, आप नॉमिनेट कर रहे हो अपने आप को जे मीटर के लिए, लोड रनर के लिए, UFT के लिए, सेलेनियम के लिए, आपको ट्रेनिंग मिल रही है. नो डाउट ट्रेनिंग वहाँ बहुत अच्छे से मिलती है, बट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो उस ट्रेनिंग करोगे क्या. ये था थर्ड, सैलरी इंक्रीमेंट. ऑब्वियसली सैलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इवन चाहे आप फैमिली वाले हो, चाहे आप बैचलर हो, आपको ग्रोथ चाहिए ही चाहिए. सो इंक्रीमेंट वहाँ ज़्यादा नहीं होती. एंड ये तीन चीज़ें जो है डिसएडवांटेज है उस कंपनी का. नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन है कि मैंने जॉब क्यों छोड़ा, Why I left कोफोर्ज. मैंने कोफोर्ज में अराउंड टू ईयर्स काम किए. मतलब मैंने 19 February 2020 को कंपनी ज्वाइन की एंड 14 January 2022 को ही मैंने जॉब छोड़ दिया. क्यों? द फर्स्ट रीज़न है, मुझे जॉब मिला था, मुझे जो प्रोजेक्ट मिला था वो था इंश्योरेंस के बेस पे. इफ़ यू वॉन्ट टू नो द इंश्योरेंस डोमेन के बारे में, लेट मी नो, पिंग मी, आई टेल यू द ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द इंश्योरेंस. सो मैं प्रोजेक्ट इंश्योरेंस डोमेन में वर्क करती थी. सो मेरा टोटली जो प्रोजेक्ट था वो बेस्ड था क्लाइंट से. सो हमारे ऑफशोर, तो मेरी हम लोग ऑनशोर टीम के साथ डायरेक्टली काम करते थे. तो ये जो दो टीम है, एक है ऑफशोर और एक है ऑनशोर,
ये टोटली एक दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है, बट वर्क ज्यादा नहीं है तो स्टेबिलिटी भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर ऑनशोर में अगर कोई प्रोजेक्ट होल्ड हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है, सो वो टोटली उसका बैड इम्पैक्ट ऑफशोर को होता था. अगर उन्होंने बोला कि अभी हम ये प्रोजेक्ट बंद करें, ऑनशोर बोलता है कि अगर प्रोजेक्ट हम बंद कर रहे हैं ड्यू टू कोई भी रीज़न हो, तो वो लोग तो सेफ है बिकॉज उन्होंने बंद किया है, बट ऑफशोर में जो इंश्योरेंस के लोग हैं उनको दिक्कत हो जाती थी, उनको फिर रैम डाउन कर देते, उनको बेंच में डाल देते थे. सो वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी इस, और मैं ये बात कर रही हूँ एंड मैं बात कर रही हूँ प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है. सो ऐसा नहीं है कि अगर इस प्रोजेक्ट में इस तरह की चीज़ें हो रही है तो दूसरे प्रोजेक्ट में भी होगी. नो, ऐसा नहीं है. मैं सिर्फ अपने प्रोजेक्ट की बात की, व्हाई आई लेफ्ट कोफोर्ज. सो वहाँ पे यह था कि दो टीम डिपेंडेंट थी, एक ऑफशोर और एक ऑनशोर. अगर इफ देयर सम इशू इन द ऑनशोर साइड तो टोटली बैड इम्पैक्ट होता था ऑफशोर पे. सो रैम डाउन बहुत ज़्यादा होता था. ऐसा नहीं है कि आप एक साल काम कर लिए और आपके जो फीडबैक आ गए हैं कि यार ये बंदी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका फीडबैक अच्छा है तो मतलब आप सेफ हो. नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है. हाँ, डिपेंड्स, अगर आपका अच्छा कनेक्शन है मैनेजर के साथ, मतलब आप मैनेजर को अच्छे से ट्रीट करते हो या मैनेजर से अच्छा कम्युनिकेशन है, तो आपको कोई दूसरे प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं आफ्टर रैम डाउन. बट वो प्रोजेक्ट भी कोई लर्निंग वाली नहीं होगी तो क्या फ़ायदा. सेम वही हाल है. तो फर्स्ट था कि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी, जॉब सिक्योरिटी नहीं थी. ये रीज़न है फर्स्ट, सबसे फर्स्ट रीज़न. सेकेंड मेरा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, एज अ मदर, एज अ फैमिली पर्सन, मुझे ग्रोथ चाहिए था और मुझे कोई ग्रोथ दिख ही नहीं रही थी इन सैलरी वाइज, इन लर्निंग टर्म्स में. ठीक है, सैलरी 2 से 3%, तो कितना होगा आप समझ सकते हो. तो मुझे ग्रोथ नहीं दिख रहा था सैलरी पर, और बैंड अच्छे मिल रहे थे बट उस हिसाब से मुझे सैलरी नहीं मिल रही थी. सेकेंड, लर्निंग. यस, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने कुछ सीखा नहीं. इंश्योरेंस मेरे लिए न्यू था. जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने इंश्योरेंस के बारे में सीखा, बट जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में सीखा उसी को ही कंटिन्यू कर रही हूँ 2 साल से. मैंने कुछ और नया नहीं सीख रही थी वहाँ पे. वही रोज़ सुबह उठो, वही पॉलिसी चेक करो, वही टेस्टिंग करो, सेम 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 चीज़ें. तो मेरा लर्निंग तो वहीं पे रुक गया ना, कोई ग्रोथ तो नहीं दिख रहा था मुझे. और नो डाउट ट्रेनिंग्स मिल रही थी क्योंकि हम अपने आप को नॉमिनेट कर रहे थे बिकॉज सॉरी, तो नॉमिनेट मैं अपने आप को कर रही हूँ, मुझे ट्रेनिंग मिल रहा है, बट उसका जब तक यूटिलाइज नहीं होगा कोई फ़ायदा ही नहीं है ट्रेनिंग करने का. यही है कि मुझे जॉब छोड़ना पड़ा. एंड यू नो अभी का मार्केट आईटी में इतना बूम है, आपको बहुत ओपनिंग्स दिख रही हैं. सो मैंने भी ट्राई किया. सो मैंने अक्टूबर में, सितंबर के स्टार्टिंग से ही मैंने अपने आप को टाइम देना स्टार्ट किया. ऑफिस के साथ साथ मैं अपना जो स्किल है ऑटोमेशन से वो पढ़ने लगी. एंड उसके बीच में रेस्ट, मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था बिकॉज मैंने सोचा पहले मैं अपना प्रोफेशनल, अपना करियर संभाल लूँ, क्योंकि ये तो एक नॉलेज शेयरिंग है मेरे लिए, देखता है इस काइंड ऑफ केटी वीडियो हो गया, राइट, नॉलेज ट्रांसफ़र हो गया. तो ये नॉलेज मैं तभी दे पाऊँगी जब मैं कुछ सीखूँ, इसलिए मैंने ब्रेक लिया था. तो मैंने सितंबर से अपना पूरे जो भी सितंबर से जो भी हमारे मेरे जो स्किल्स है, जो भी ऑटोमेशन, जो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, एंड अक्टूबर से मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया. एंड इंटरव्यू देते देते मैंने विद इन अ 15 डेज में एक बहुत बड़े कंपनी में सेलेक्ट भी हो गई. एंड उसी मंथ अक्टूबर 19 को ही मैंने रिज़ाइन डाल दिया. एंड रिज़ाइन डालने के बाद भी जर्नी रुकती नहीं है. मैंने काम के साथ साथ 3 और ऑफर लेटर काउंटर किए, जो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है. एंड उससे मुझे और मोटिवेट होता है कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं. एंड जैन आते आते आई गॉट 4 ऑफर लेटर. सो आई थिंक अब समझ में आ गया हो कि वाई आई लेफ्ट द कोफोर्ज. या दिस इज द रीज़न. अच्छी भी चीज़ है, बुरी भी चीज़ है, बट एज अ प्रोफेशनल पर्सन वॉट वी नीड,
द ग्रोथ वी वॉन्ट, राइट। सो ग्रोथ के लिए तो इससे बेटर है कहाँ जाएंगे, तो कंपनी स्विच करनी है। एंड मेरा एक ही सजेशन है, काम करो अच्छे से करो। अगर 2-3 साल में आपको फील हो रहा है कि आपको कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है और आप वही चीज़ रिपीट 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 कर रहे हो, तो भाई तो एक ही सोल्यूशन है, स्विच मार दो। सो आई होप ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा आप सभी के लिए, और आपके जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो से क्लियर हो चुका होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ पाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करें। बाय बाय।